पूरे लॉकडाउन के दौरान जो हम लोगों को देखने को मिला कि तमाम संस्थाओं ने काम किया, सब ने अपने अपने तरीके से किया, अपने अपने भाव से किया, बट अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई एक संस्था ऐसी थी जिसने पूर्ण विश्वसनीयता के साथ में और पूरे समर्पण भाव के साथ में कार्य किया हो। अनाज बैंक एक ऐसी संस्था रही कि आज उसने जो भी काम किया, अगर उस काम के विषय में बनारस को पर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने का प्रयास करता है तो इस संस्था के आंकड़े, साक्ष्य उनका जवाब देने के लिए पर्याप्त है। मैंने एक बात आपसे कही कि एक काम सामान्य तरीके से करना और एक वही कार्य पूरी विशेषज्ञता के साथ के करना, वो अंतर था सामान्य काम करने और अनाज बैंक के काम करने। सर, बनारस का जो देखिए बहुत कुछ, तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से जो हमारा एक तरह से जिलाधिकारी महोदय जो थे वो बड़े दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हैं और इस दूरदर्शिता का इस पूरे जनपद को बड़ा फायदा हुआ। कोई भी चीज़ थी वो पहले से भांप जाते थे कि ओवर प्राइजिंग होगी। 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 25 को हमारी बैठक हो गई और 25 की बैठक में भी हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करके पहुंचे थे, लेकिन वो कार्य उन्होंने पूर्ण ना मानते हुए सख्त निर्देश जारी किए। बनारस की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उन सख्त निर्देशों का उतनी ही सख्ती से आगे भी पालन सुनिश्चित कराया। ओवर प्राइजिंग रुकी, उसके बाद आटे की कमी, डोर स्टेप डिलीवरी, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पासेस जारी करना, कम्युनिटी किचन चलाकर कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करना, राशन किट को रातों रात तैयार करा के आम जनता तक उसको पहुंचा देना, तमाम राशन कार्डों को बनाकर या लोगों को यूनिट में शामिल करके उनके पूरे परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फ्लोर मिलों को गेहूं उपलब्ध कराते हुए मार्केट में किसी चीज़ की क्राइसिस ना हो उसको पर्याप्त कर देना, लोगों द्वारा ये भांप लेना कि साहब पता नहीं गैस एजेंसीज खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, जो सामान्य दिनों में जो बुकिंग होती थी जस्ट डबल बुकिंग हो जाना, गैस एजेंसियों पे भीड़ लगा के सिलेंडर ले लेना, ये देख पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन नीडेड है कौन नीडेड नहीं है, लेकिन जिसकी बुकिंग पहले है पहले उसको देना। लेकिन उस सब चीज़ों पर भी हम लोगों ने समय से निर्णय लेते हुए जैसे उन पर लॉक लगाने का प्रयास किया, एक कैप लगवाया गया कि 15 दिन अगर किसी ने ले लिया तो उसको 15 दिन बाद मिलेगा, और हम 2-3 दिन में उसके बाद में ये हो गया कि हमारे पास सरप्लस गैसेस हो गए, सिलेंडर हो गए, स्मूथ व्यवस्था हो गई। आप कहीं जाते थे तो दुकानदार ये डरता था कि पता नहीं अधिकारी लाइन में लगे हैं कि वास्तविक ग्राहक लाइन में हैं, जो होल्डिंग करने वाले लोगों में ये था कि पता नहीं कब कौन किस बेस में हमारी दुकान पर छापा मार देगा, उनके मन के। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो यहाँ की संवेदनशीलता, जिसको उभारने में प्रशासन ने और आम जन ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो भाव कि कोई भूखा नहीं से सोता, उस भाव को सबने मिलके पूर्ण करने का प्रयास किया। सर, आने वाले जून महीने में लॉकडाउन काफ़ी ढिलाई भी रहेगी और छूट भी काफ़ी मिल रही है, तो ऐसे में चुनौतियाँ अगर कम हो जाएंगी तो उतनी रहेंगी। देखिए, अभी तक तो प्रशासन के सामने चुनौती थी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आम जनता तक हम पहुँचा दें, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कैसे मास्क या अन्य चीज़ों का हमें प्रयोग करना है, हमें कहीं भी अगर जाना है तो क्या प्रिकॉशन बरतना है, ये सारी चीज़ें प्रशासन ने इन 2 महीनों में आम जन तक बखूबी पहुंचाई।
अब जनता से भी हम लोगों की अपील रहेगी कि प्रशासन की उस मंशा को समझते हुए उन सारी चीज़ों का वो पालन करें जिससे इस महामारी से के जो प्रकोप है उसको हम कम करते हुए समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाए।